चीफ ईट्स द वर्ल्ड कार्यक्रम लॉन्च। केयर गरीबी के खिलाफ लड़ने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1965 में फ्रिंटो ले पेप्सी और कोला कंपनियों का आपस में विलय हो गया और पेप्सिको का गठन हुआ। आज पेप्सिको एक खाद्य और पेय कंपनी है जिसमें क्लेवकर, लेस, पेप्सी, कोला आदि जैसे प्रमुख उत्पादन है। पेप्सिको और केयर ने भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों पर केंद्रित होगा। क्या है शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम? विकासशील देशों में अभी कृषि श्रमिकों में महिलाएं लगभग आधी हैं और पुरुषों की तुलना में प्रति सप्ताह 13 घंटे अधिक कार्य करती हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि यदि पुरुषों के समान महिला किसानों की संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित होती है तो वे अपने खेतों की उपज में 20-30% तक की वृद्धि कर सकती है। इसमें संभवतः विश्व में भूखे लोगों की संख्या को 150 मिलियन तक कम किया जा सकता है। कार्यक्रम का क्या है उद्देश्य? इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में फसल की उपज बढ़ाना, बीपीएल परिवारों की महिलाओं की आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य और संतुलित आहार तक पहुंच सुनिश्चित करने के साथ ही सतत कृषि पर महिलाओं को प्रक्षेपण प्रदान करना है। यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करना तथा देश में कृषि परिवारों को एक स्थिर आय प्राप्त करने में मदद करेगा, साथ ही सतत कृषि पर महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। कार्यक्रम के परिणाम। प्रारंभ में इस कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले और अलीपुर द्वार जिले में लागू किया जाएगा। पेप्सिको तथा केयर का लक्ष्य इस कार्यक्रम के माध्यम से 48,000 से अधिक महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। पश्चिम बंगाल के 1.5 मिलियन से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए इन न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।